कहीं नरेगा घोटाला तो कहीं रास्तों शमशान घाट वे कब्रिस्तान के नाम पर घोटाला। ये कहानी है प्रदेश के नुहू जिले की, जिसे पिछड़े जिले के नाम से जाना जाता है। दरअसल नुहू जिले में पिछले कई महीनों से सरपंचों द्वारा नरेगा के तहत किए गए घोटालों को उजागर करने का सिलसिला चल रहा है, जिसमें एक गांव मोहम्मदपुर तेढ़ भी शामिल है, जहां पर ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच द्वारा विकास कार्यों में करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच वे कुछ ठेकेदारों ने मिली भगत करके नरेगा की स्कीम के तहत आने वाले लाखों रुपए की राशि को खुर्दबुद किया है। आरोप है कि नरेगा के अलावा गांव के विकास के लिए जितना भी पैसा आया है सरपंच द्वारा सभी को हड़पा गया है। आरोप है कि सरपंच ने कागजों में तो गांव का पूरी तरह से विकास दिखा रखा है, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत कुछ और है, जिसकी शिकायत ग्रामीण बीडीपीओ एसडीएम डीसी सीएम तक पहुंचा चुके हैं और दोषी सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर है जी। साकिर जी, गांव कौन सा है? मेरा गांव मोहम्मदपुर है जी। क्या मामला आपका? आप लोगों ने कई जगह शिकायत की है जी, क्या मामला है? देखिए जी भाई साहब, बात यह है कि हमारा जो गांव का मैटर है वो हमारा है सरपंच के सिस्टम से मैटर है जी। सरपंच ने हमारे गांव के अंदर काफ़ी घोटाला कर रखा है, करोड़ों रुपए का घोटाला है जी। और उस घोटाले के अंदर में जो हमने इसका सिस्टम निकलवाया है गांव का जी, उसमें जी ऐसा है कि जैसे हमारे नरेगा के सिस्टम से काम हुआ है, गांव के अंदर विकास हुआ है कराने का, इसने वो जो दिखाया है पेपर के अंदर जी, तो इसमें ऐसा है कि जैसे रास्ते के अंदर इसने सरकार के द्वारा पेपर में कंप्लीट दिखा रखा है, हमारे गांव के अंदर उस तरीके का कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जो पहले से पड़ा हुआ था रास्ता, ना उसके अंदर कोई मिट्टी डलवाना है, ना उसके अंदर कोई टेल बिछाना है, ना कोई रोड़ा डलवाना है, ना कोई मुरुम, कुछ नहीं कराया है। वो पहले की तरह जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से बंजर पड़ा हुआ, कोई रास्ता नहीं बना सकते। और दूसरे नंबर पर जो हमारे गांव में और भी काफ़ी पैसा आया हुआ है, बजट आता है गांव के अंदर, इसे पीआरआई की किस्त आती है, उसके बारे में गांव के लिए कोई जानकारी नहीं है, कहां पे वो पैसा जा रहा है, कहां पे क्या कर रहा है, ये सरपंच को पता है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार से हम इसके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए गाँव का जो पैसा इसने कहाँ करा है, अपने घर पर अपनी जेब में रखा है, या कहाँ पे क्या किया है इसने, उसका पूरा हमारे लिए उसका काम कराया जाए। गांव का पैसा गांव के विकास के अंदर लगना चाहिए। और जो ये जॉब कार्ड वाला जो मैटर है, उनका पैसा है सरपंच ने जो खाया है, तो वो सरपंच उस पैसे को उन गरीब आदमियों के लिए पैसा को दे दे। और तीसरे नंबर पे जैसे जोड़ वगैरह छूटती हैं, उनका कोई पैसे के बारे में कुछ पता नहीं है। पंचायती घर का सरपंच का क्या नाम है जी? जी सरपंच का नाम है मनीषा खान, लेकिन उसका जो कार्यकर्ता है वो राशिद है जी, राशिद खान, और वो ही करता है जो भी कुछ खर्चा है, चाहे सिग्नेचर करता हो उस, वो तो राजस्थान में, राजस्थान की वो है, वो कोर्ट मैरिज कराकर लोकल कागज़ वगैरह पर, वो उससे चलो कोई वो नहीं है कि सरपंच वो है गांव की, लेकिन वो जो भी करता है राशिद कार्यकर्ता है, राशिद ही करता है जो कुछ करता है, जो भी घोटाला करता है गाँव के अंदर, जो गाँव जो भी है, तो वो उसका ससुर लगता है, पूरा सिस्टम को राशिद खुद संभालता है। आप लोगों ने इसकी कहीं पे कोई शिकायत की है? जी बिल्कुल, हमने शिकायत की जी, लेकर सीएम से लेकर के वो दुसंत के लिए भी की है, खट्टर साहब के लिए भी की है, और विजिलेंस के लिए भी की है, और जी ये डीसी के लिए भी की है, मजिस्ट्रेट के लिए की है, एसडीएम के लिए की है, बीडीपीओ के लिए भी की है, हमने जी सब के लिए इसका पूरा शिकायत कर रखा है। क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? अब कार्रवाई देखिए जी, अब हमारे तारीख ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इसमें पूरी सहयोग करेगी जी। नाम इस्लाम है। क्या मामला है? ये नरेगा का मामला है जी। अच्छा। मैं हमारे में 28,000 कुछ रुपया है जी। अच्छा। हम जाते हैं मैनेजर के पास, वो कहता तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, और सरपंच को जाते थे हमारे पे कोई पैसा नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारा पैसा मिलना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरपंच पर मैनेजर।